के पास से आप तारागढ़ पे जाने का है, तो आप ये देखिए गाड़ी से जाने वाले हैं हम यहाँ, तो ये देखना चाहिए आपको। इस तरह ढाई दिन की झोपड़ी है। हम तारागढ़ जा रहे हैं, तो हमने ढाई दिन की झोपड़ी में से आपको बताया, तो वहाँ से अपनी मुकम्मल जानकारी तारागढ़ पे से हम बताने वाले हैं। तो बहुत खास सीन है, वो देखना चाहिए आपने। देखिए हमारे आफिस भाई हमारे साथ हैं और बहुत से भाई। 120 रुपये टिकट है ढाई दिन की झोपड़ी के पास से, आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। उस तरफ है, अपन तो टाइम नहीं लगा दो रास्ता है जाने के लिए। जाने का 20 किलोमीटर है गाड़ी से, 20 किलोमीटर है, 50 मिनट लगते हैं जाने में। भाई दिन में तो कितनी ट्रिप मारते हैं आप? 3 ट्रिप मारते हैं भाई। 3 ट्रिप है ना, 3 ट्रिप मारते हैं भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह है। राम सिंह है भाई का नाम। कितने किलोमीटर है? 20 किलोमीटर पड़ता है अपने ढाई दिन के झोपड़े के पास। ढाई दिन के झोपड़े के पास है, 50 मिनट लगते हैं। हाँ तो वहाँ क्या क्या है देखने के लिए? हाँ भाई दरगाह है मीरा साहब की, मीरा साहब की दरगाह, करबला है, हाँ घोड़े की टाप है, 12,000 शहीदों की मजार है, 12,000 शहीदों की मजार है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ के पहाड़ों का। बारिश की वजह से ढसल गया ना। वहाँ से अजमेर शरीफ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। इस तरफ देखिए तो पूरा रास्ता बताने वाले हैं, हम जाने का रास्ता। पहाड़ को पूरा जितना भी पहाड़ को रोड मारना है ना भाई, पहाड़ के रोड से पूरा रोड है ना। हाँ पूरा अनासागर रेलवे स्टेशन होता हुआ जाना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन होता है अनासागर होते हुए। पैदल का रास्ता 5 किलोमीटर है लेकिन गाड़ी से 20 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा पैदल का रास्ता 5 किलोमीटर है और गाड़ी से 20 किलोमीटर के रास्ते पर जाना पड़ता। तारागढ़ का रास्ता तो पुराना रास्ता है, पर ये नया रास्ता है तारागढ़ पे जाने का। 2002 में बने हुआ ये शायद। पूरे सिटी घुमा के जो तारागढ़ पे जाते हैं, पर सिर्फ 120 रुपये एक से सवारी के रिटर्न के। अभी जो क्या सीट चलता रेगुलर? रेगुलर 100 रुपये 120 रुपये चलता है।
120 है ना, जब भीड़ ज्यादा हो जाता तो 150 रुपए 200 रुपए सीट हो जाता है आना जाना। आना है ना 200 रुपए तारागढ़ का है ना। अच्छा आप पूरी सिटी घुमा के लेके जाते हैं ना फिर भी? अनासागर रेलवे स्टेशन होता है वहाँ घूम के जाते हैं। अनासागर रेलवे स्टेशन होते वहाँ। तो भाई से बात करें हमने, जो भाई की गाड़ी में जा रहे हैं, तो अजमेर शरीफ की जितनी भी बड़ी सिटी है वो पूरी सिटी को घूम के और पूरा घूम के ऊपर तारागढ़ पे फिर बाद में चढ़ने का गाड़ी से। और हमने ये भी बताया आपको कि 5 किलोमीटर का रास्ता है पैदल जाने के लिए और गाड़ी से 20 किलोमीटर का रास्ता है, क्योंकि हम रेलवे स्टेशन के पास आए अभी, अजमेर का जो रेलवे स्टेशन है अनासागर रेलवे स्टेशन, इस तरफ से जाते हैं रास्ता। एक मिनट का वीडियो नहीं है जाने का, तो आपने पूरा देखना चाहिए, बहुत खास वीडियो है ये, आप ही के लिए जानकारी के लिए हमने वीडियो बनाए अजंता न्यूज़ पे। जितनी भी वीडियो हम बनाएंगे एक एक करके जो अजमेर के अपलोड करिए, तो वो देखना चाहिए आपने, बहुत खास चीज़ है जो आप अगर अजमेर आए तो आना वहाँ जाना चाहिए आपने। अनासागर इस तरफ है, हमने जो अनासागर दिख रहा है पूरा अनासागर एक कासे के अंदर आ गया था। देखिए अनासागर राजा साहब ने जब बुलाए थे अनासागर को, तो एक कासे के अंदर जो कासा रहता है, तो ये देखिए, तो यहाँ का भी स्पेशल वीडियो आपको हम बनाएंगे। तो यहाँ का भी स्पेशल वीडियो अपलोड करेंगे हम आपके लिए। अजमेर का जो एरिया है वो घूम के और तारागढ़ पे चढ़ना पड़ता है। तो माशाल्लाह वहाँ असर की नमाज हम वहीं अदा करेंगे। हम थे कहाँ थे और कहाँ आ गए ये देखिए। सामने जो आ रहा है ये जैन लोगों का जो मंदिर है, अंदर से सोने का बना हुआ है, अंदर से सोने का बने हुआ है। इस टाइम में ये भी बताएंगे आपको हम इसके पर। हम जब तारागढ़ पे जाएंगे तो अजमेर शहर तुमको बताएंगे हम तारागढ़ पे से हम किस तरफ से किस रूट से आए और किस रूट से आना चाहिए था। ये ब्रिज बन रहा है यहाँ, अभी देखिए ब्रिज बन रहा है, अभी कंप्लीट कब होता है, नेक्स्ट टाइम आएंगे हम 2 साल के बाद। तो देखिए जैन मंदिर से माटी ब्रिज तक है 3 किलो या 4 किलोमीटर का है ब्रिज। यहाँ का रेलवे स्टेशन है, स्टेशन है, इसमें भी 5:15 हो रहे हैं। जो घड़ी दिख रही थी उनको थोड़ा जूमिंग करके बता दें, जूमिंग में तो आएंगे नहीं, पर थोड़ा दिख रहा है, देखिए 5:15 हो रहे हैं और घंटा है घड़ी आवाज़ देती है। और ये हमारी घड़ी बता मिस 5:30 बजे देखिए। तो यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है,
दूसरी साइड थी। रात में कहाँ देखे हैं? दूसरी साइड आ गए हम। जो भी अगर तारागढ़ पे घूमने के लिए जाता है गाड़ी से तो पूरा अजमेर उसने घूम लिया ये समझ लेना चाहिए। तो इस तरफ का रास्ता है तारागढ़ पे जाने के। अजमेर की उस साइड का हमने तारागढ़ का आपको ढाई दिन की झोपड़ी में से बताया पहाड़ का एरिया, तो उस तरफ से ढाई दिन की झोपड़ी है और ये दूसरा हिस्सा है, दूसरा साइड है तारागढ़ की। यहाँ से गाड़ियाँ चढ़ती है, यहाँ से गाड़ियाँ चढ़ती है पूरे। ऊपर तारागढ़ पे जाते हैं यहाँ से गाड़ी सभी। ऊपर रास्ता भी देखिए और बंदर भी नजर आ रहा रास्ते में। ये पहाड़ की तारागढ़ पहाड़ की दूसरी साइड है और ये अजमेर का खूबसूरत नजारा इस साइड भी। देखिए इस तरफ तो रास्ता तो बहुत हार्ड है रास्ता। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको ज़ूमिंग करके बता रहे हैं तारागढ़ का दूसरी साइड है। मैं जहाँ से भी आ रहा भाई बड़े हिसाब से चलाना है गाड़ी क्योंकि बहुत हार्ड रास्ता है और टर्न जगह पे मोबाइल में समझ में आ रहा हूँ आपको टर्न। भाई परफेक्ट है चलाने में लग इस साइड का नजारा।
तारागढ़ पे जाने का, पर नया काम हुआ डामर का। मैं तारागढ़ पे से नजर आता है रास्ते तो बहुत, जो इतने खतरनाक जो रास्ते टर्न, हमको खुद पसीना आ गया टर्न देख के। रास्ता तो देखने के काम का है। ऐसा लगता है कि गाड़ी कब आएंगी। देखिए सामने से गाड़ी आती है, ऐसा लगता है कि सामने से लगी गाड़ी एक्सीडेंट होगा, पर इतना परफेक्ट है यहाँ सभी चलाने में माशाल्लाह। और रास्ते भी ये देखिए सभी, और अब खूबसूरत नज़ारा तारागढ़ का। तकरीबन आने का रास्ता हमने जो बताया तकरीबन 15 से 16 मिनट का वीडियो है, पर इसके बाद जो हम बहुत ख़ास चीज़ बताने वाले हैं आपको, तारागढ़ की पूरी मुकम्मल जानकारी देने वाले हैं, और जो इस तरफ से दरगाह शरीफ दिखती है वो भी बताने वाले हैं। तो यहाँ भाई ने 1.5 घंटे का चाना दिया, 1.5 घंटे में घूम के आने का है सर।